प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी कि अगर आपको कोई ए वेक्टर और बी वेक्टर और एंगल दिया हुआ है थीटा, आपको ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है, और अगर आप क्या निकाल लें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो आप क्या निकाल लें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें, मतलब डायरेक्शन ना लें, ओनली वैल्यू लें, तो वैल्यू वैल्यू क्या आएगी बोलो, वैल्यू आएगी ए क्रॉस बी होता क्या है, ए बी साइन थीटा एन कैप, और मॉड लगाने के बाद एन कैप का मॉड क्या होता है, वन, आंसर सिर्फ ए बी साइन थीटा। तो वो कह रहे हैं इट रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। आपको के पैरेललोग्राम बीच में कैसे आ गया, बनाएंगे ए वेक्टर बी वेक्टर दो वेक्टर दे रहा है वो आपको, आप इसका पैरेललोग्राम बना ले, बना लिया, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो अगर ये थीटा है ये बी साइड है तो ये क्या बनेगा, बी साइन थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ए इंटू बी साइन थीटा, तो ए इंटू बी साइन थीटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको ए वेक्टर देगा बी वेक्टर देगा, आप क्रॉस प्रोडक्ट लेना उसका मॉड लेना, अपने आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन है साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, साइड ऑफ पैरेललोग्राम दे दिया, आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी, तो आए माइनस जे के, ए का कोफिशियंट बी के कोफिशियंट्स को लिखा, इसे सॉल्व किया, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद मान लो आपके पास ये आंसर आ गया, आंसर आ गया, आपको क्या लेना है इसका मॉड, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, माइनस फाइव का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर और वन का स्क्वायर, आंसर इज अंडर रूट ऑफ 35 यूनिट्स, इज द आंसर, एरिया आ गया। तो आज के बाद ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा जाए, तो समझ में आ रहा है क्या करना है आपने, आपने सिंपली इसे क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लगा के मैग्नीट्यूड ले लेना है, कोई डाउट है इसमें। नेक्स्ट है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, मतलब कि ये एक बात नहीं है, डॉट प्रोडक्ट में ये एक ही बात थी, ए डॉट करो बी या बी डॉट करो ए, आंसर सेम आता है, इसमें नहीं आएगा, इसमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में ऑर्डर चेंज होगा तो माइनस आएगा। कैसे, हमने क्या किया था, आई क्रॉस जे क्या था, के, जब ऑर्डर ही चेंज की जे क्रॉस आई तो आंसर क्या आया, माइनस के। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल या एंटी पैरेलल, पैरेलल का मतलब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो एंगल उनके बीच में जीरो, एंटी पैरेलल का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल उनके बीच में 180, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा जीरो होगा, क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में चाहे साइन जीरो करें चाहे साइन 180 करें, मैथ्स में साइन 180 भी जीरो होता है और जीरो भी जीरो होता है। तो आज के बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं कि नहीं चेक करना हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, अगर तो जीरो आ गया वो पैरेलल है, नहीं तो नहीं है, और अगर परपेंडिकुलर चेक करना है कि नहीं तो क्या करें, उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, जीरो आ गया तो परपेंडिकुलर है नहीं तो नहीं। क्या स्टेप समझ में आ रहे हैं यहां तक, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज अ नल वेक्टर। वो कह रहे हैं कोई भी वेक्टर खुद के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा तो ए ए साइन जीरो तो आंसर नल वेक्टर ही आएगा, जैसे आई क्रॉस आई जीरो है, जे क्रॉस जे जीरो है, ए क्रॉस ए भी जीरो है। नेक्स्ट है अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है और मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लूं तो ए बी साइन 90, मैग्नीट्यूड में तो एन कैप 1 हो जाएगा, तो साइन 90 1 होते तो आंसर ए बी आएगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में 90 डिग्री आएगा, आप 90 पुट करके वैसे ए बी आंसर आने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, सिंपल है। टॉर्क निकालने का तरीका, टॉर्क वैसे रोटेशनल मोशन में आएगा ये टॉपिक, पर अभी जस्ट वैसे ही नोट करने के लिए, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही बात होती है, ये टॉर्क वेक्टर है, इस सिंबल को टाउ बोलते हैं, टाउ, ठीक, अल्फा बीटा गामा डेल्टा टाउ, तो टाउ वेक्टर या टॉर्क वेक्टर इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो अगर आपको क्वेश्चन में आर वेक्टर दे रहा है, आपको एफ वेक्टर दे रहा है, आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो टॉर्क वेक्टर आ जाएगा, बस ये याद करना है, आता कम है वैसे। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा आती भी है, कि अगर सपोज करो, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं शायद आप आंसर दे पाए, सपोज करो आपके पास एक वेक्टर ए वेक्टर है, कुछ भी ए वेक्टर है, एक वेक्टर बी वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके एक नया वेक्टर सी वेक्टर आ गया, आपको बताना है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ये क्वेश्चन है,
कितना जीरो 90 लग रहा है, कितनों को 90 लग रहा है, 90 आंसर 90 है। देखो एग्जांपल है, ए वेक्टर अगर आई कैप है, बी वेक्टर जे कैप है, तो आंसर क्या आया था, तीनों वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे थे, तो आई क्रॉस जे विल गिव के। पता है क्यों, क्योंकि जब आप वो राइट हैंड थंब रूल लगाते हो जिसमें आप दो वेक्टर्स लेते हो, तो अगर आप दो वेक्टर्स मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, होगा कोई एंगल इनकी थीटा एंगल है, तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालना चाहता हूं और पूछता हूं कि जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो चार फिंगर ए वेक्टर के ऊपर कहां तक लेके जाएंगे इसे, बी वेक्टर तक, ए क्रॉस बी, थंब कहां आ रहा है ऊपर, तो नया वेक्टर कहां आएगा ऊपर, ये जो थर्ड वेक्टर आएगा ऊपर ये इसके साथ भी एंगल 90 बनाएगा और इसके साथ भी 90 बनाएगा, क्यों, वो इसलिए क्योंकि आउट ऑफ प्लेन है, ये आउट ऑफ प्लेन है, ये एक प्लेन में है और ये इनके अलग प्लेन में है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो इसमें ये और ये तब जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा तो थंब आउट आएगा, तो ये जो वेक्टर होगा वो इसके और इसके साथ इस प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर इसका मतलब एक प्रॉपर्टी याद रखते हैं, अगर सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस वी, तो एंगल बिटवीन सी एंड ए वेक्टर इज 90 और एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90, क्लियर है यहां तक, ये प्रॉपर्टी याद रहेगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी कोई वेक्टर आएगा, नया वेक्टर आएगा, वो पुराने वेक्टर के साथ एंगल हमेशा 90 ही बनाएगा। तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट यूनिट वेक्टर, आप यूनिट को छोड़ दो, कैलकुलेट अ वेक्टर, पहले छोटा क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर कैलकुलेट करो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो आपने पता है क्या करना है, तरीका देख लो, आपने इनका ना क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है, तो आप ए वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप और के कैप कोफिशिएंट्स लिखेंगे 1 1 1 और यहां पर 1 -1 एंड 2, और जब इसे सॉल्व करेंगे, मैंने किया नहीं तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा, जब सॉल्व करके मैंने किया नहीं आंसर ये आएगा। ये जो नया वेक्टर आया सी वेक्टर, मान लो ये सी वेक्टर आया, इसका नाम सी वेक्टर है, ये वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ एंगल 90 बनाएगा, चेक कर लो, आप सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेके देखो, देखो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाता है एंगल 90 है करके देखो, तो 3 × 2 = 6, ये क्या आएगा -3 और ये क्या आएगा -3, देखो डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है जीरो, इसका मतलब 90 डिग्री है, प्रूव कर दिया मैंने, आप इसका और इसका भी डॉट प्रोडक्ट लो आंसर फिर भी 90 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी याद हो गई आपको कि एंगल 90 होगा। तो अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मेरे को वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, पहले वेक्टर तो निकालो, वेक्टर निकल गया ए क्रॉस बी से वेक्टर आ गया, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर आंसर, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक।